पावर स्टेशन से निकलने वाली राख पानी के बहाव से हजारों एकड़ खेती में मिल जाने से पीड़ित किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जहरीली मिट्टी की जांच अब निरी संस्था में परीक्षण के लिए भेजी गई है। पिछले सप्ताह में नागपुर के खापरखेड़ा पावर स्टेशन से निकलने वाले राख का तालाब फूटने से लाखों टन राख पानी के साथ बहकर खेती में बहकर आई थी, जिससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं तो हजारों एकड़ खेती पूरी तरह से खराब हो चुकी है। राख का मिश्रण खेती की मिट्टी में मिल जाने से खेती की मिट्टी की पोत जहरीली सी बन गई है। कोई भी फसल अब किसान नहीं ले सकते हैं। महावितरण के दुर्लक्षित काम से इसका खामियाजा कोराड़ी, खापरखेड़ा, कामठी के हजारों किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कृषि विभाग की ओर से खेती की मिट्टी को निरी में जांच के लिए भेजी गई है। जब तक निरी संस्था इस मिट्टी की जांच के बारे में रिपोर्ट पेश नहीं करती, तब तक किसानों को और भी इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में राज्य सरकार ने पीड़ित किसानों को सही न्याय देकर उन्हें तत्काल आर्थिक मदद करना चाहिए, यही समय की मांग है। राखेचा सुद्धा एक बंधारा फुटून आपल्या शेतामध्ये राख जाणे किंवा राख मिश्रित पाणी जाणे, शेतामध्ये राखेचे थर पसरणे अशा प्रकारची घटना आपल्या जिल्ह्यामध्ये झालेली आहे। कामठी तालुक्यामध्ये या बाबतीत आमच्या तालुक्याचे अधिकारी, त्याच्यानंतर विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ, उपविभागीय कृषी अधिकारी यांची टीम आम्ही त्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर पाठवलेली आहे। आता जिथे थर साचलेला आहे ते जमीन वाढल्यानंतर जर 2 ते 3 इंचाचा थर आहे तर तो आपल्याला काढून टाकावा लागेल। दुसरं, जिथं वाळू आपलं पाणी मिश्रित राख ते गेलेली आहे आणि त्या पाण्याचा नेमका काय त्या जमिनीवर परिणाम झाला याच्यासाठी त्या मातीचे नमुने आम्ही काढलेले आहे आणि लॅबोरेटरीला पाठवलेले आहे। परंतु फक्त त्या टेक्स्चरवर किंवा त्यामध्ये असणारे NPK जे घटक आहे किंवा मातीमध्ये जे असतात पिकांच्या दृष्टीनं तेवढ्यावरच न थांबता त्याच्यामध्ये काही रासायनिक गुणधर्मामध्ये बदल झाला आहे का किंवा धातू मिश्रित काही त्या मातीमध्ये आहे का याच्यासाठीसुद्धा आम्ही सॅम्पल काढलेले आहे आणि ते निरी किंवा इतर ज्या दुसऱ्या प्रयोगशाळा आहे तिथे पाठवून त्याच्यामध्ये काय नेमके निष्कर्ष येतात त्यावर आपल्याला पुढची उपाययोजना करता येईल। हजारों एकड़ खेती जिस कारण से खराब हुई है, ऐसे महावितरण के अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें और पीड़ित किसानों को न्याय दे, तब कहीं जाकर हम भारत यह कृषि प्रधान देश है ऐसा कह सकते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे, BCN News नागपुर।